व्हाट्स अप गाइस, दिस इज गुरु मान। आज जो टॉपिक है फिटनेस करियर, ये एक वीडियो के अंदर कंप्लीट होने वाला टॉपिक नहीं है। मतलब है कि आप देखो कि मुझे लगभग 3 से 5 घंटे चाहिए अप्रॉक्सीमेट एक्सप्लेन करने के लिए। तो क्या कर रहा हूँ मैं इसको एपिसोड्स में ब्रेक कर रहा हूँ, इसको मैं पार्ट्स में ब्रेक करूँगा, ताकि एक टॉपिक पर बात करेंगे और फिर उसको कंप्लीट करेंगे, फिर आगे बढ़ते जाएंगे। तो बोर्ड के ऊपर एक्सप्लेन करने की जगह मैं एक इसको प्रेजेंटेशन टीवी के ऊपर दे रहा हूँ बाय यूजिंग माई विद द हेल्प ऑफ माई आईपैड, और ताकि आपको जो दिखे वो क्लियर दिखे। चलिए शुरू करते हैं फिटनेस करियर। फिटनेस करियर मतलब है कि अगर स्लाइड में देखें कि आप यहां हो और आपने यहां तक पहुंचना है, आपका करियर फिटनेस के करियर तक पहुंचने के लिए जो टेक ऑफ आपको चाहिए उस करियर तक पहुंचने के लिए, उसके अंदर जो भी हर्डल्स है, पॉइंट्स है, टॉपिक्स है, वो मैं इसके ऊपर कवर करूंगा। तो दिस इज आवर एपिसोड नंबर 1। मैं कोशिश करूंगा कि मैं आपको एक टॉपिक पकड़ूं और उसके ऊपर पूरी एक्सप्लेनेशन दूं, क्यों चाहिए, कैसे आप पहुंच सकते हैं। देखिए, फिटनेस करियर का मतलब जिम ट्रेनर ही नहीं है, फिटनेस करियर बहुत समंदर है, बहुत आगे जाने की बात कर रहा हूं। आपने मुझे देखा है, मैं कहां से कहां पर हूं। मैं चाहता हूं सारे सक्सेसफुल हो लाइफ के अंदर, तो इसको एक प्रेजेंटेशन के रूप के अंदर मैं इसको एक्सप्लेन करूंगा। मैंने माईफाई में, जो मेरी एकेडमी है, उसके अंदर एक मैंने सेशन लिया था, लाइव सेशन, उसके अंदर मैंने एक्सप्लेन किया था, लेकिन फिर भी 45 मिनट और 60 मिनट का सेशन था, शायद मैं काफी कुछ एक्सप्लेन कर पाया, लेकिन बहुत चीजें मिसिंग है, आई नीड मोर टाइम, क्योंकि बहुत ज्यादा कॉन्टेंट है फिटनेस का, मसल बिल्डिंग, फैट लॉस, सिक्स पैक, ये चीजें नहीं है। ये आपको यूट्यूब पर तरह तरह के लोग आपको बता देंगे, मैं ऑलरेडी बताता आ रहा हूं और मेरे चैनल्स के ऊपर ढेरों प्रोग्राम्स पड़े हुए हैं। क्या कवर कर रहा हूं मैं वो चीज कवर कर रहा हूं जो आपको शायद गूगल पर, यूट्यूब पर, इंटरनेट पर कहीं नहीं मिलेगी, क्योंकि आई एम गोइंग टू शेयर माय एक्सपीरियंस। सो जो मेरा एक्सपीरियंस है वो मेरे पास ही है, किसी और के पास नहीं है। तो उसके अंदर क्या क्या इंपॉर्टेंट चीजें हैं जो आपको यहां से यहां पहुंचाने में मदद करेगी। मैं चाहूंगा कि 10 में से 8 बंदे सक्सेसफुल हो, 100 में से 80 और हजारों में से हजारों लोग जो है वो सक्सेसफुल हो। इन पॉइंट्स को इंप्लीमेंट करें, क्योंकि मैं आपको एक रियल चीज बता रहा हूं और बताने वाला हूं। यहां पर कोई ब्रो साइंस नहीं है, दिस ऑल माय एक्सपीरियंस, नॉलेज, उस सभी का बंडल इकट्ठा किया है आपको मैं यहां पर करियर तक पहुंचने में मदद करूंगा। और आज का पहला एपिसोड के अंदर जो हमारा पहला टॉपिक है एजुकेशन, इसको बाईपास ना करना मेरे भाई, इसको बाईपास ना करना। जो भी इसको बाईपास कर आगे कुछ काम कर रहा है वो ज्यादा देर तक नहीं चलेगा, रेंज कम है। एजुकेशन की जब मैं बात कर रहा हूं तो यहां मैं बहुत इंपॉर्टेंट चीज बात कर रहा हूं, क्योंकि एजुकेशन से आपको क्या मिलती है, नॉलेज, और नॉलेज से बड़ा हथियार कोई नहीं है, उससे बड़ा वेपन कोई नहीं है, उसी के ऊपर बात करूंगा। इसको बाईपास नहीं करना। तो एजुकेशन के अंदर तरह तरह के मार्केट के अंदर मिथ्स है, क्या हमें पढ़ने की जरूरत है, क्या अकेले सर्टिफिकेशन से काम चलेगा, मैंने अभी 10th की है, क्या मुझे कोई डिग्री करनी चाहिए, बहुत चीजें हैं। देखिए, एजुकेशन बहुत ही जरूरी है, पढ़ना जरूरी है। आपके माँ बाप आपको बोलेंगे बेटा पढ़ लो, आसपास के लोग बोलेंगे आपको पढ़ लो, क्योंकि पढ़ाई, हर कोई बोलेगा आपको पढ़ लो, कुछ बनो ना बनो वो अलग बात है, वो आपकी हिम्मत कहां टूटती है, लेकिन पढ़ाई, एजुकेशन आपको स्मार्ट बनाती है। ठीक है, आने वाले आपकी जनरेशन के लिए भी एजुकेशन बहुत जरूरी है, एजुकेशन इज अनबीटेबल, सो डोंट स्किप दिस, डोंट बाईपास दिस। ठीक है, सबसे पहले एजुकेशन टॉपिक के अंदर दो चीजें हैं, दो टॉपिक कवर करूंगा आज मैं। दो तरह के लोग हैं, पहले हैं जिन्होंने अभी अभी 10वीं या 12वीं प्लस 2 पास की है, अब वो आगे क्या करें, वो आगे कैसे निकले, क्या उनके लिए प्लान होना चाहिए, वो शेयर करूंगा। और दूसरा, जिन लोगों ने ऑलरेडी डिग्री की है किसी फील्ड में, ऑलरेडी सर्टिफिकेशन की है, एज हो चुकी है, वो फिटनेस करियर में आना चाहते हैं, घूम कर किसी और डायरेक्शन से फिटनेस में आना चाहते हैं, वो क्या करें। एजुकेशन दोनों के लिए जरूरी है। पहले बात करने वाला हूं मैं जिन्होंने अभी अभी 10th और प्लस 2 पास की है। Here you go. Recently finished या फिनिशिंग
अभी अब कर रहे हो, खत्म कर चुके हो और बैचलर में एडमिशन ले रहे हो, गलत कोर्स में एडमिशन ना लेना। मैं पहले बता दूं आपको, अगर आप फिटनेस के अंदर करियर ढूंढ रहे हैं ना, तो किसी और कोर्स में एडमिशन ना लेना मेरे भाई। पैसा वेस्ट करेंगे, टाइम वेस्ट करेंगे, माँ बाप का मेहनत का पैसा, चाहे वो आपके फादर ने सेव किया है, चाहे वो बैंक से लोन लेकर आपको पढ़ाया है या पढ़ा रहे हैं, वो फंड्स गलत इस्तेमाल ना करना, वो सही डिग्री में इस्तेमाल करना। अगर आप प्लस टू अभी अभी पास की है आपने, तो कौन सी डिग्री करनी है आपने? चार ऑप्शन आपको मैं दे रहा हूं, एक्सरसाइज स्पोर्ट्स साइंस, न्यूट्रिशन साइंस, किनेसियोलॉजी, बायोमैकेनिक्स। कहां से करेंगे? सर्च, जिस सिटी में आप रहते हैं सर्च लोकल यूनिवर्सिटी कॉलेज के अंदर क्या ये कोर्स अवेलेबल है, चेकआउट उनका करिकुलम क्या है, सिलेबस क्या है, क्या फीस है, कितने टाइम का है, कम्युनिकेट, गो फ्रॉम देयर। कुछ और बायोलॉजी वगैरह भी कर सकते हैं, यू कैन ऐड दोज थिंग्स, बिकॉज यू डेफिनेटली नीड टू लर्न। इसके अंदर क्या है, यू विल लर्न अबाउट ह्यूमन मसल एनाटॉमी। सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या है, साइंस को समझना जरूरी है, हमारी बॉडी का जो एनाटॉमी है, जो मसल्स है, कितने तरह के मसल है, क्या प्रोसेस है, वो प्रॉपर एनाटॉमी की इंफॉर्मेशन जो यूनिवर्सिटी में मिलती है, वो आपको कहीं नहीं मिलेगी दुनिया में। क्योंकि आप 3 से 4 साल, लगभग 4 साल लगाकर आप इंफॉर्मेशन गैदर करते हो, दैट्स व्हाट यू रियली नीड। जब आप डिग्री के तीसरे चौथे ईयर्स में होगे, थर्ड फोर्थ ईयर्स, तब आप वहां पर सर्टिफिकेशन ऐड कर लो साथ में। सर्टिफिकेशन कोर्स ज्यादा लंबे नहीं होते, 1 महीने का कोर्स होता है। कौन से कर सकते हैं? ऐसे सर्टिफाइड पर्सनल ट्रेनर, सर्टिफाइड न्यूट्रिशन कोच, न्यूट्रिशन कंसल्टेंट, स्ट्रेंथ एंड कंडीशनिंग जैसी सर्टिफिकेशन आप कर सकते हैं किसी भी अकेडमी से। और अगर आप सोचेंगे यार हमारा जिम ट्रेनर है, उसके पास तो सर डिग्री है नहीं, वो फलाना बंदा है, उसके पास डिग्री तो है नहीं, क्या जरूरत है? आपने उन जैसा बनना है या आपने ऊपर के लेवल को चेज करना है? मैं आपको बता कह रहा हूं, हम यहां जिम ट्रेनर की बात करने वाला नहीं हूं इस फिटनेस करियर के अंदर, मैं आगे की बात कर रहा हूं। आगे आगे, जब आपने आगे जाना, ज्यादा आगे जाना चाहते हैं, यू गॉट मेक श्योर यू हैव दैट बिग फाउंडेशन, क्योंकि ये आपकी फाउंडेशन है। एक बिल्डिंग जो खड़ी करने की कोशिश कर रहे हैं आप, उसकी बेसमेंट के नीचे जाकर जो आप सरिया डालते हो, जो आप सीमेंट डालते हो, जो बेसमेंट सॉलिड करते हो, ताकि वो जो आपकी बिल्डिंग ऊपर से ऊपर जा पाए, वो एक फाउंडेशन आपकी डिग्री रहेगी। ठीक है, तो जो प्लस टू कर रहे हैं लोग अभी की है, वो यहां पर इन डिग्रीज का को कर सकते हैं। जिन्होंने ऑलरेडी कोई और की है, उनकी बात मैं आगे करने वाला हूं, और साथ में आप सर्टिफिकेशन कर सकते हैं। सर्टिफिकेशन की कॉस्ट जो है आपकी, वो 20,000 रुपए से लेकर 1,20,000 तक जाएगी, मतलब 1.25 लाख तक जाएगी। कैसे? क्योंकि सर्टिफिकेशन अकेडमीज अगर इंटरनेशनल करते हो और आप लगभग 2 कोर्स करते हो, 3 नहीं, कोई भी 2 कोर्स पिक करते हो, NASM है, NESTA है, US की अकेडमीज है, वहां पर आप लगभग 700-750 आपको एक कोर्स की फीस पड़ेगी डॉलर, $1,500 के पास 2 कोर्सेज की फीस पड़ेगी, जिसकी कॉस्ट आपको 1 से 1.25 लाख डॉलर तक जाए, रुपीस के पास जाएगी। ठीक है, और दूसरी 20,000 मैंने क्यों लिखा है, क्योंकि बहुत सारी अकेडमीज है इंडिया के अंदर, जो इंडिया के अंदर है, जो इंडिया में अगर कोर्स करना है, जैसे गवर्नमेंट अफिलिएशन अकेडमीज है, गवर्नमेंट के कोर्सेज है, वो कर सकते हो, अफोर्डेबल है। इवन माई फाई अकेडमी, जो कि मेरा मिशन इंडिया फिटनेस इंस्टीट्यूट है, जो कि इंडिया का मोस्ट अफोर्डेबल ट्रेनर और न्यूट्रिशन सर्टिफिकेशन का प्लेटफॉर्म है। जी हाँ, सबसे सस्ता, सबसे मोस्ट अफोर्डेबल है, हर कोई इसको कर सकता है, ऐसी रेंज के अंदर है, और 1 महीने कोर्स है। तो अगर कोई बंदा पॉकेट के ऊपर डिपेंड करता है, अगर आपकी पॉकेट ज़्यादा नहीं झेल पा सकती, तो आप अफोर्डेबल कोर्स कर सकते हैं, जरूरी नहीं अपने माई फाई मेरी अकेडमी से करने हैं। मैं बोल रहा हूँ किसी भी अकेडमी, आपकी बजट के अकॉर्डिंग, पॉकेट के अकॉर्डिंग आप वो सर्टिफिकेशन कर सकते हैं। साथ में CPR, कार्डियो पुलमोनरी रिसेसिटेशन, फर्स्ट एड जैसा, जब भी आप आगे जाएंगे तो वो जो CPR प्रोसेस है वो बहुत जरूरी रहेगा। हालांकि हर एक को करना चाहिए, लेकिन ये आपको, इसकी कॉस्ट नहीं है, जैसे माईफाई के अंदर फ्री आपको ट्रेनिंग CPR की दी जाती है, आप रेड क्रॉस जो है वहां पर आप कर सकते हैं, 2,000-4,000 जो भी आप लोकल कॉस्ट पता करेंगे। सो बेसिकली डिग्री इज इंपॉर्टेंट, राइट? आई हैव द डिग्री, एंड पीपल जब अब जिन्होंने अभी 10वीं 12वीं की है, वो डिग्री कर सकते हैं, साथ में सर्टिफिकेशन कर सकते हैं। आप सोच रहे हैं कि इसके बाद, ये करने के बाद आपको जिम ट्रेनर की जॉब के लिए जरूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि आपके लिए अपॉर्चुनिटीज थोड़ी सी हाई आ जाएगी, हाई अपॉर्चुनिटीज आपकी क्या मिलेगी, हाई लेवल कोचेस पर आप एलिजिबल हो इजी। कैसे? IPL टीम्स के अंदर जो फिटनेस कोचेस है,
यू एलिजिबल फॉर दैट, क्योंकि आपकी एजुकेशन आपका रेज्यूमे बोल रहा है, फाइन. एक्सपीरियंस इज अनदर पार्ट विच यू स्लोली डेवलप, राइट. स्टेट की स्पोर्ट्स टीम, पंजाब की टीम, दिल्ली की टीम, मुंबई की टीम, कैलकाटा की टीम, तो जो स्टेट्स की टीम है वहां पर आप कोचिस की जॉब मिलेगी. जोनल टीम, साउथ जोन, ईस्ट जोन, नॉर्थ जोन की, जोन के अंदर काफी स्टेट्स का बंडल है, वहां पर जोनल टीम्स है. इंडियन टीम्स है, चाहे वो क्रिकेट टीम है, हॉकी टीम है, बास्केटबॉल टीम है, उन टीम के अंदर फिटनेस कोचेस जरूरी है. एक तो प्लेयर कोचेस होते हैं, हेड कोचेस सेपरेट, हर एक प्लेयर की फिटनेस जो ग्रुप ट्रेनिंग है वो सारे फिटनेस ट्रेनर्स ही देते हैं, जो उनके एथलेटिक ट्रेनर्स होते हैं. ओलंपिक्स टीम, बड़ी बात कर रहा हूं, इंटरनेशनल खेलने की, ठीक है. सो यहां पर क्या है, आप यहां पर जो ट्रेनिंग देते हैं वो एक बंदे को ट्रेनिंग देते हैं, आप ग्रुप ऑफ एथलीट्स को ट्रेन देते हो, उनको स्ट्रेंथ एंड कंडीशनिंग, उनकी इंड्योरेंस, उनकी परफॉर्मेंस के ऊपर फोकस किया जाता है. इन बंदों, इन टीम का गोल मसल बिल्डिंग, बॉडी बिल्डिंग, पोजेस का नहीं है. ये कोचेस और ये रिक्वायरमेंट डिफरेंट है. यहां पर पैकेज भी बहुत सॉलिड है. आपको मालूम है आईपीएल की टीम कितना पैसा देगी, जब प्लेयरों को करोड़ रुपया बांट रहे हैं, करोड़ों, तो कोचेस के पास बहुत अच्छी सैलरी पैकेज है. मेरे पास समझे, बहुत अच्छा स्टेटस है. आप किसी इंडिया टीम को ट्रेन कर रहे हो, बहुत अच्छा हाई लेवल स्टेटस है, यू कोच ऑफ दैट टीम. इमेजिन, अच्छा से इमेजिन, दोज अपॉर्चुनिटीज आर देयर फॉर यू, और ये अपॉर्चुनिटीज खाली पड़ी हुई आप ग्रैब करें. तो इसीलिए आपके पास जो डिग्रीज का आपको काफी फायदा होगा व्हेन यू गो फॉर हाई लेवल कोचेस, और सैलरी आपकी ऑफकोर्स हाई होगी. आप 10-20 हज़ार थोड़ा यहां बनाएंगे, काफी बड़ा बंडल होगा आपका. एंड यू आर अ वेरी सीनियर ट्रेनिंग दोज एथलीट्स, ट्रेनिंग दोज स्पोर्ट्स गाइज, जिनको आप फॉलो करते हो, टीवी पर देखते हो, जो इंडिया के लिए खेलते हैं, एक्सेट्रा, यू नो, वुड लव टू कोच दोज पीपल, व्हाई नॉट. सो कहने का मतलब है आपके लिए बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटीज है. एंड क्योंकि फिटनेस को जिम तक सीमित ना करें, बहुत बड़ी रेंज है, ठीक है. जिम आपका स्टार्टिंग पॉइंट हो सकता है, लेकिन दैट शुड नॉट बी योर एंडिंग पॉइंट. जिम शुड ट्रेनर शुड नॉट बी योर एंड स्पॉट, इट शुड बी योर स्टार्टिंग स्पॉट. वहां से आपने आगे जाना है, पीछे नहीं. तो ये आपके लिए मैंने बता दिया, जो लोग प्लस टू की बात कर रहे हैं. अब आगे बात करता हूं, जिन्होंने पहले ऑलरेडी डिग्री की है, मायूस होने की जरूरत नहीं है. बहुत सारे लोग हैं, 80% से ज्यादा लोग इंडिया के अंदर वो लोग हैं जो जिस डिग्री के अंदर स्टडी करते हैं उसमें जॉब नहीं करते. कितना बड़ा टाइम वेस्ट और पैसा वेस्ट है, ये रियलिटी है हमारी यूथ की. तो अगर आप उनमें से हो, आपने डिग्री कॉमर्स कर ली है, आपने आर्ट्स कर ली है, किसी और फील्ड में की है, इवन इंजीनियरिंग की है, आपका मन फिटनेस में है, आपका दिल फिटनेस में है, आपका आप सोच कर रही है फिटनेस के अंदर ही, आप दिन रात सोच रहे हो, आपने बस कर ली दोस्तों के पीछे लगकर, डैड को सुनकर, माँ बाप को सुनकर, किसी कजन को सुनकर, किसी और को सुनकर आपने डिग्री कर ली. जब आप दिल की सुन रहे हैं आप, यू जस्ट वॉन्ट टू गेट इन टू फिटनेस फील्ड, बहुत लोग हैं. तो डोंट वरी, बहुत कुछ है आपके लिए भी. तो आपने क्या करना, वहां पर सर्टिफिकेशन तो करनी पड़ेगी. डोंट बाईपास दिस, यू डोंट हैव डिग्री, यू डोंट हैव सर्टिफिकेशन, बस बॉडी है, उससे काम नहीं चलेगा. बॉडी से काम नहीं चलेगा. डेवलप योर स्किल, स्किल डेवलपमेंट इज इंपॉर्टेंट, दैट्स व्हाट यू रियली नीड टू वर्क ऑन इट. मेरी बात समझे आप. तो ट्रेनर सर्टिफिकेशन तब करेंगे आप. ट्रेनर सर्टिफिकेशन कौन से करेंगे, मैंने बोला पर्सनल ट्रेनर, न्यूट्रिशन सर्टिफिकेशन, स्ट्रेंथ एंड कंडीशनिंग. इन्वेस्टमेंट 20,000 से लेकर आपकी 1,20,000 की है. 20,000-25,000 कुछ इन्वेस्टमेंट नहीं है. 20-25,000 इन्वेस्टमेंट क्या है? क्योंकि आप लगभग तीन साल तक आपका वो मनी की इन्वेस्टमेंट की रिटर्न बहुत है. बिकॉज आप एजुकेशन के लिए थोड़ा सा इन्वेस्ट करना पड़ेगा, दैट इज इंपॉर्टेंट. आप कोई चीज बाय थोड़ा कर रहे हो, कोई प्रोडक्ट थोड़ा बाय कर रहे हो, सप्लीमेंट थोड़ा बाय कर रहे हो, काम करेगा या नहीं करेगा. यू इन्वेस्टिंग ऑन एजुकेशन, और एजुकेशन तो बहुत जरूरी है. मैं एजुकेशन को प्रमोट कर रहा हूं और उसको करता रहूंगा, बिकॉज आई वॉन्ट यू गाइस टू एजुकेट योर सेल्फ, ताकि आपको मूर्ख ना बनाए जिंदगी में, और आप भी किसी को मूर्ख नहीं बनाएंगे. इट्स फाइन कि बॉडी बिल्डर्स है, मार्केट में लोग हैं जो जिनके पास एक्सपीरियंस है, और एक्सपीरियंस से वो ट्रेनिंग दे रहे हैं, दैट्स फाइन. कहां तक जाएंगे वो आगे, कोई रेंज है, कोई नंबर है? इट्स टफ व्हेन यू लर्न. आपकी आप दो स्टेप आगे जाते हो, आगे जाते हो. बॉडी बिल्डिंग एक्सपीरियंस और आपको पावरफुल बनाएगा, लेकिन एजुकेशन से बड़ा पावरफुल चीज है ही कोई नहीं. एजुकेशन से दिमाग को नॉलेज मिलती है, और नॉलेज से बड़ा वेपन कोई नहीं है. और उस वेपन जिसको उसको आप शार्प कर रहे हो, ब्रेन को कर रहे हो, इट्स जस्ट अमेजिंग. सो अब अगर आप ये करते हैं तो आपकी अपॉर्चुनिटी जो पीछे अपॉर्चुनिटी थी, लेकिन यहां पर आपको और अपॉर्चुनिटीज आपके लिए. देखिए, आपके लिए एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी क्या है? प्रोफेशनल जिम्स के अंदर ट्रेनर, जो बहुत लोग ऑलरेडी हैं,
उसके लिए कोशिश कर रहे हैं, बोल रहा हूँ, फर्स्ट स्टेप जिम ट्रेनर, यू कुड बी अ जिम ट्रेनर और फिटनेस ट्रेनर इन द फाइव स्टार होटल. ऑफ कोर्स फाइव स्टार होटल के अंदर क्लाइंट्स आते हैं, लोग ट्रैवल करके आते हैं, वहाँ पर जरूरत होती है, रिक्वायरमेंट होती है. वहाँ पर आपको रेगुलर क्लाइंट्स नहीं मिलेंगे क्योंकि फाइव स्टार होटल लोग टूरिस्ट है, विजिटर है, आते जाते रहते हैं, तो आपको नए नए बंदे दिखते रहेंगे. लेकिन इट्स वेरी गुड अगेन जॉब. सैलरी अगेन डिपेंड करता है किस तरह का फाइव स्टार होटल है. अब सैलरी मैं बता नहीं सकता क्योंकि ये जिम ओनर पर डिपेंड करता है, छोटा है, बड़ा है, कितना बड़ा जिम है. स्पोर्ट्स एथलीट को ट्रेन कर सकते हैं, जैसे इंडिविजुअल एथलेटिक्स विराट कोहली, यू कैन ट्रेन विराट कोहली वन ऑन वन बिकॉज विराट कोहली हैज सम पर्सनल इंडिविजुअल गोल्स. उसके लिए वो जो इंडियन क्रिकेट टीम के जिम्स है वहां तो ट्रेन करेंगे, वो अपने के लिए उनके घर के अंदर जिम है, ही माइट यूज द जिम अदर जिम फैसिलिटी. सो यू कैन ट्रेन विराट कोहली एट हिज फैसिलिटी और योर फैसिलिटी और समवेयर एल्स बिकॉज दे नीड फिटनेस. किसको फिटनेस ठीक नहीं करनी किसको नहीं करनी, एवरीबडी. तो जब आप स्पोर्ट्स एथलीट इंडिविजुअल कर रहे हो वन बाय वन, पीछे की स्लाइड के अंदर ग्रुप ट्रेनिंग कर रहे हो आप और वहां पर गोल अलग है, लेकिन जब आप वन ऑन वन कर रहे हो वहां पर गोल और बढ़ जाता है. यू वर्किंग ऑन द कोर, यू वर्किंग ऑन एब्डोमिनल एरिया, ही इज आल्सो वर्किंग टू बिल्ड बिगर बाइसेप्स एंड इट्स ऑल नेचुरल. कीप इन माइंड दिस इज ऑल नेचुरल प्रोसेस. ट्रेनर ड्रग हैज फिटनेस करियर के अंदर ड्रग का तो जरूरत ही नहीं यार. उस कचरे को साइड में फेंक दो, ठीक है, बिल्कुल उसको साइड में करो, आपका दिमाग खराब कर देगा वो. यू जस्ट नीड टू शार्प अप विद द पॉजिटिव थिंग. ड्रग इज अ नेगेटिव फीड, सर्वाइव नहीं कर पाएंगे. पॉजिटिव रियल इंफॉर्मेशन. फिटनेस मॉडल्स, जी हाँ, जैसे कंपीट करते हैं लोग, फिटनेस मॉडल्स, बॉडी बिल्डर्स, यू कैन ट्रेन दोज पीपल्स. सेलेब्रिटीज, यू कैन ट्रेन सेलेब्रिटीज लाइक बॉलीवुड सेलेब्रिटीज. शाहरुख खान को जरूरत है अपनी फिटनेस के लिए, अगर मूवी के लिए तैयार होना है, मैगजीन के शूट के लिए तैयार होना है, ही नीड्स ट्रेनर. एंड विराट कोहली, शाहरुख खान, दे पे देयर ट्रेनर हाई अमाउंट. 10,000 रुपया थोड़े देते वो, लाखों में आपको पैसा मिलता है. तो ऐसी, सो यू कुड बी अ सेलेब्रिटी ट्रेनर. सो इट मींस अपॉर्चुनिटीज बहुत है. सो व्हाट आई एम ओवरऑल टेलिंग यू गाइस इज, फिटनेस में आना है ना, या तो डिग्री है थम्स अप, नहीं है तो सर्टिफिकेशन तो जरूर करें, बाईपास ना करें सर्टिफिकेशन. यू लाइक गुरु मान, यू लिसन गुरु मान बिकॉज द नॉलेज आई हैव, दैट्स माई बिगेस्ट रेज्यूमे, माई डिग्री एंड माई सर्टिफिकेशंस. अगर मेरा आप रेज्यूमे खोल लो एंड यू कंपेयर मी, मेरी डिग्री या मेरी सर्टिफिकेशन टू एनी वन इन द वर्ल्ड, आई माइट बी बीटिंग लॉट ऑफ पीपल बिकॉज आई हैव दैट एक्सपीरियंस. ऐड कर दो कि 20 साल साइड में करो, एक्सपीरियंस बॉडी बिल्डर्स को भी है. द कम्स डाउन टू नॉलेज, हाउ टू बीट मी व्हेन आई टॉक अबाउट एजुकेशन, क्योंकि आपने बुक्स पढ़ी हुई है, आपने गूगल पर सर्च करके किसी और को सुनकर, किसी कोच गुरुजी को सुनकर नहीं किया, बिकॉज यू listening, learning from professors, universities. It's very different. Okay, so anyways, so my overall yahan par ye hai ki aap yahan par degree kare, nahi hai to certification kare, aur certification ke baad aage ke kya points hai wo next episode mein cover karunga. Theek hai, next episode hamari transformation ke upar aayegi. I'll cover the slide next one, kyunki bolne ko to bahut kuch hai mere paas bolne ke liye. तो मैं इसको एपिसोड में डिवाइड करके बोलता जाऊंगा. एंड जस्ट आप अंडरस्टैंड करें, सीखें, और आई वुड लव टू सी यू गाइस सक्सेसफुल एंड मेक फिटनेस करियर, ठीक है, और अपने घर वालों को दिखा पाएं कि इस करियर के अंदर बहुत कुछ है. जी हाँ, इस करियर के अंदर बहुत ही कुछ है. आपको सिर्फ पॉजिटिव माइंडसेट चाहिए, दिल और दिमाग एक जगह चाहिए. सो पॉजिटिव इन्फ्लुएंस ही आपने आगे लोगों को देना है. क्रिटिसाइज नहीं करना, क्रिटिसाइज करने वाले लोग बैठे हैं, वो कुछ नहीं करते जिंदगी में. जस्ट फोकस ऑन positive thing, learn, get experience, get knowledge, sharp up this biggest muscle brain and spread positivity. Influence kare logon ko, inspire kare logon ko, logon ki zindagi change kare, log aapko dua denge aur dua million dollar billion dollar se bhi zyada kaam karti hai. Theek hai, Guruman, see you next episode.